हेलो नमस्कार, क्यूरियस रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम गणेश जी को पसंद आने वाले उकड़ी चे मोदक बनाएंगे। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए उकड़ी चे मोदक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप पानी लेंगे। पानी में 1 चम्मच घी डालना है और स्वाद अनुसार नमक डालें। जैसे ही पानी अच्छे से उबल जाए उसमें उसी कप से हमें 1 कप चावल का आटा डालना है। आटा डालने के बाद गैस को बंद कर दे और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो रेशियो 1:1 का होना चाहिए। अगर आप 2 कटोरी पानी लेते हैं या 2 कप पानी लेते हैं तो उतना ही हमें आटा डालना है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे एक दूसरे बाउल में निकाल के ठंडा कर ले। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। कढ़ाई में हमें 1 चम्मच घी लेना है। हल्का सा घी गर्म होने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स डालें। काजू बादाम और पिस्ता को छोटा छोटा कट करके लिया है। इसे 1 मिनट के लिए पकाना है। गैस का फ्लेम लो रहने दें। अब हम इसमें 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। इसे भी हमें 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। हल्का सुनहरा होने के बाद और बहुत ही अच्छी खुशबू आने के बाद 1/2 कप हम इसमें गुड़ डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर ले। गुड़ अच्छे से पिघल गया है तो आप देख सकते हैं स्टफिंग बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर ले और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे। ठंडा होने के बाद अगर आपकी स्टफिंग कड़क हो जाती है या फिर उसमें नमी नहीं रहती है तो इसमें 2 चम्मच दूध डाल के हल्का सा गर्म कर ले तो ये स्टफिंग बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए आटा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे गूंदना है। हल्का सा हाथों पे पानी लेके इसे अच्छे से गूंद ले। हमें यह आटा बहुत ही अच्छे से गूंदना है ताकि रोटी बनाते वक्त ये फटे ना। थोड़ा सा घी डाल के और अच्छे से गूंद ले। तो आप देख सकते हैं आटा गूंद के तो तैयार है और हमारी स्टफिंग भी तैयार है। तो मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चकले पे घी लगा लिया है और एक छोटी सी प्लेट ली है उस पे भी मैंने बैक साइड पे घी लगाया है। आटे की छोटी लोई लेके उसे अच्छे से गोल करेंगे। गोल करके चकले पे रखना है और जो प्लेट है उसे आटे के ऊपर रख के अच्छे से प्रेस करना है। तो देखिए इस तरह से हमारी रोटी या फिर पूरी भी बोल सकते हैं, छोटी सी पूरी बनके तैयार हो जाती है। तो हाथों की मदद से लेफ्ट हैंड में हम वो पूरी रखेंगे और राइट हैंड से हम उसके साइड से प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें हल्का सा प्रेस करना है जिससे कि प्लेट तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं सभी तरफ से प्लेट्स तैयार हो गई हैं। प्लेट्स तैयार होने के बाद बीच में एक छोटी सी कटोरी जैसा बन जाता है जिसमें हम स्टफिंग फिल करेंगे। 1 या 1.5 चम्मच तक आप इसमें स्टफिंग फिल कर सकते हैं। अब हमें ये जो प्लेट्स हैं इसको एक ही साइड पे लेके जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं वैसे ही हमें एक साइड से लेके ऊपर से इसे बंद कर देना है। तो ये देखिए हमारा मोदक बनके तैयार है। अब हम इसमें 1 चम्मच की सहायता से, चम्मच के जहाँ से हम पकड़ते हैं वहाँ से हम छोटी छोटी लाइंस बनाएंगे। जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप भी वैसे ही बनाएंगे तो ये इसका शेप और भी निखर के आता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। ये देखिए इस तरह से लाइंस तैयार कर लीजिए। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा सुंदर मोदक दिख रहा है। ऐसे ही मैंने सारे मोदक तैयार कर लिए। अब हम एक छन्नी लेंगे जिसमें हमें घी लगा लेना है।
घी लगाने के बाद एक एक करके हम सारे मोदक इसमें रख देंगे। ऊपर से मैंने इसमें केसर का दूध डाला है, एक एक दो दो बूंद के ऊपर केसर का दूध डाले, जिससे कि ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रखा है। पानी अच्छा उबल गया है, अब हम इसमें हमारे मोदक रख देंगे। ऊपर से ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख दे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो रखे। तो देखिए, 10 मिनट के बाद हमारे मोदक हल्के से फूल गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ध्यान से, बहुत गर्म रहते हैं ये। देखिए, हमारे मोदक बनके तैयार है। तो मैंने गणेश जी के लिए नैवेद्य बना के तैयार किए हैं। 5 मैंने तो बनाए हैं। इतने आटे में 11 मोदक बनके तैयार हो जाते हैं। ऊपर से घी डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए, एक मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर जो स्टफिंग है, गुड़ की जो स्टफिंग है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।